खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। दोस्तों, खूबसूरत अल्फाज का अगर जिक्र करें तो लफ्ज खुशबू है, लफ्ज जादू है, लफ्ज घुंघरू है, लफ्ज गेसू है, और इन तमाम अल्फाज की कैफियत जिस शायरा की शायरी में हमें नजर आती है, उस शायरा का नामे नामी मोहतरमा नखत अमरोवी। महफिले शेरो सुखन में जब से नखत आ गई, चैन हर बेचैन और बेताब दिल को मिल गया। अपना जलवा वो दिखाने आ रही है माइक पर, बस इसी एहसास ही से चेहरा चेहरा खिल गया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले युवा अंजुमन वेलफेयर सोसाइटी के सभी मेम्बरान को मुबारकबाद पेश करती हूँ इस कामयाब मशायरे की। बड़े भाई आरिफ साहब की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे दोबारा आने का मौका फराहम कराया। इस चैनल को कवरेज कर रहे हैं हेलो मीडिया से मुस्तकीम आज़मी और वक्त मीडिया से शफीक, उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बाकी मेरे सब सीनियर सागर त्रिपाठी साहब, नश्तर अमरोही साहब, खुर्शीद हैदर साहब और मेरी सब शायरात, मेरी बहनें छोटी। चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ जो कि मैंने पढ़ने छोड़ दिए हैं क्योंकि इनको आजकल कोई मंजू जौहरी जी हैं वो आजकल पढ़ रही हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ और यहीं से अपनी बात आपकी अदालत में रखती हूँ। जैसा कि बताया, हिलाल बहुत अच्छी निज़ामत की आज हिलाल ने, उन्होंने बताया कि एक तरफ नसीम साहब बैठे हैं और एक तरफ वसीम साहब बैठे हैं जी। तो देखना यह है कि किसका पल्ला भारी रहता है और मेरे हिस्से में कितनी दुआएं आती हैं। तो मैं पढ़ती हूँ, आप सभी का साथ चाहती हूँ। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, वाह वाह वाह। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। वा, वा, वा। बस यही सोच के बारात से डर लगता क्या है केने? बस यही सोच के बारात, नहीं दोनों पल्ले भारी रहे इस बार। अब आगे आगे देखती जाऊंगी कि किसका पल्ला भारी है, तो बता के जाऊंगी, बेफिक्र रहिएगा। एक मतला एक दो शेर और पढ़ती हूँ क्योंकि आप बाकी बहुत अच्छे शेर सुन रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी सुनी आपने, और जहाँ जहाँ अच्छा शेर आया आपने उसकी हिफाजत की, उसकी शेर की पजीराई की। मैं पढ़ती हूँ एक मतलब दो शेर समाप्त कीजिएगा। कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। वाह। अभी हमारे चचा जान पढ़ रहे थे, वाकई उनकी नज़र बहुत बारीक थी कि उन्हें हमारी जो था वो गुनगुनाना जो था ना वो हमारी कमर का लचकना नज़र आ रहा था। नहीं तो मुझे बहुत मतलब ये हुआ कि इतनी नज़र तो शायद हमारी भी तेज़ नहीं है जितनी उनकी बारीक है बिल्कुल ही। पर मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि बताइए बुज़ुर्ग अगर इस तरह की शायरी पढ़ें तो वहाँ पे अफसोस की बात है। बहरहाल पढ़ती हूँ समाप्त की जगह। कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। वा, वा। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। क्या कहने? हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। वाह 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 वाह। बचपन की सहेली निकली। क्या कहने? वाह। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। क्या कहने? हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली।
मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली, मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। आप इनके ऊपर मत ध्यान दीजिए, ये छोटी बहनें हैं। वो सहेली जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो बहुत दूर रहती है। ये शेर जिसकी आपको हिफाजत करनी है, बतौर खास आपकी अदालत में रखती हूँ, समाप्त कीजिएगा। इरशाद कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली, भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली निकली। आपने एक अच्छा शेर जाया कर दिया, या तो आपकी समझ में नहीं आया, मगर इतनी मोतबर समाते हैं, और इतनी मोतबर समाते होने के बाद अगर आपकी समझ में नहीं आए तो पड़ोस वाले के समझ में आए तो उससे कह दिया होता आपने। मैं पढ़ती हूँ, समझिएगा। ये शेर मेरे यहाँ बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं, बतौर खास एक शेर और पढ़ती हूँ, समझिएगा। कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। दोस्तों इस रस्म को रोक दें यहीं पर, ये मुशायरे की रिवायत नहीं है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं पहले अपने भाई को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उनका आज जन्मदिन भी है उसके लिए, और आप सभी की तरफ से भी। मगर मेरी थोड़ी सी गुजारिश और थोड़ी सी दरख्वास्त है कि ये पैसे जो हैं अब वो किसी मदरसे में दे दिए जाएं, क्योंकि ये मुशायरे का रिवाज नहीं है। मैं पढ़ती हूँ समाज। नहीं, वो उन्होंने 200 रुपये इसलिए भी दिए मोहतरमा, वो चाह रहे हैं कि बर्थडे पर बाजी से 200 के बजाय 500 ले लें। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, और हिलाल हमेशा सही फरमाया करते हैं जी, तो उसमें आप अपना हिस्सा मत लगाइए। अच्छा जी, फिलहाल मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली, जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। अब थोड़ी से अलग रंग में मैं शायरी करना चाहती हूँ। खुर्शीद साहब ने भी बताया कि वो मेरे हम ख्याल सी है, तो जिंदगी मकड़ियों का जाल सी है, तो मैं उस पर भी कुछ गजल के कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ। मगर उससे पहले मैं कुछ अपने पसंदीदा शेर पढ़ना चाहती हूँ, समझ लीजिएगा। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी न था। क्या अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी न था, इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी न था। मैंने जी भर के अभी तो उसे देखा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अभी तो उसे देखा भी न था, क्या कहने, वाह। और ये शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि कोई मंजिल भी न थी उसकी गली से आगे, वाह 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 वाह। कोई मंजिल भी न थी उसकी गली से आगे, मेरे घर लौटने
रास्ता वाह। मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था, क्या कहने, कोई वाह वाह क्या कहने, अच्छी गजल। और एक शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा, बहुत मोतबर समाते हैं, पढ़ती हूँ। कि कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन, कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन, कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत, उसको खुद अपनी मोहब्बत पे भरोसा है, है। अच्छा शेर है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन, उसको खुद अपनी मोहब्बत पे भरोसा भी ना था, क्या कहने। और शेर आखिर पढ़ती हूँ, गजल का समाप्त कीजिएगा बतौर खास, क्या कहने। कि कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की, कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की, कैसे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की, बहुत खूब, कैसे मैंने बिखरे हुए सपनों को समेटा था। और मक्ते का शेर भी आपकी अदालत पे पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा सभी सीनियर शोरा इकराम, और आपकी मोतबर समाते पढ़ती हूँ, समाप्त करें। कि उसने छोड़ा था मुझे, उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत, क्या कहने, अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत, क्या कहने, मेरे घर लौटने जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह। उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत, क्या कहने, उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत हो तो गजल के शेर पढ़ना चाहती हूँ। खुशी साहब जो पढ़ रहे थे, जिंदगी मकड़ियों का जाल सी है जी, अता वो भी कुछ मेरे हम ख्याल सी है, पढ़ती हूँ। वसीम भाई और नसीम भाई दोनों ग्रुप, माशाल्लाह आप
सबने मुझे अपनी अपनी दुआओं से नवाजा जी वाह नहीं बिल्कुल पढ़ती हूँ जी बिल्कुल, असल में आप गजल इतनी अच्छी सुन रहे हैं, वो मत सुनिए गीत आपकी मोहब्बतें हैं, मैं पढ़ती हूँ, समझ कीजिएगा। कहूँ कैसे के मुझको गम नहीं है, कहूँ कैसे के मुझको गम नहीं है, मगर ये आंख पे भी नम नहीं है, वाह 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 भाई वाह, मगर ये आंख पे भी नम नहीं है, नहीं है। और तेरी राहों में पलकों को बिछाया, वाह कम नहीं है, वाह 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 भाई, कुर्बानी का जवाब नहीं, वाह 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 बहुत अच्छा लफ्ज है, वाह 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 भी कोई क्या कहने कम नहीं है, वाह। और एक नौजवान हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं, एक शेर पढ़ना चाहती हूँ कि कुछ प्यार में कुछ इस तरह का भी आलम हो जाया करता है, मैं पढ़ती हूँ समाप्त कीजिएगा। कि अभी तक प्यार के आलम में दिल है, अभी तक प्यार के आलम में दिल है, मगर पहला सा वो आलम नहीं है, मगर पहला सा वो आलम नहीं है। क्या कहने? और शेर समाप्त कीजिए, पढ़ती हूँ। कि वफाओं पर मेरी शक करने वालों, वफाओं पर मेरी शक करने वालों, वफाओं पर मेरी शक करने वालों, दलीलों में तुम्हारी दम नहीं है, वाह 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 अच्छा है भाई, वाह 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 भाई, लफ्जों का इंतखाब बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, तुम्हारी दम नहीं, दम नहीं है। गजल का आखिरी शेर इरशाद आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा बतौर खास। कि दलीलों में तुम्हारी दम नहीं है, क्या कहने, मुझे झूठा दिलासा देने वाले, मुझे झूठा दिलासा देने वाले, ये मेरे जख्म का मरहम नहीं है, वाह 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 वाह, जख्म का मरहम नहीं है, मरहम नहीं है, क्या कहने। और इतना कुछ होने के बाद भी एक दुआ लबों पर, मक्ते का शेर पढ़ती हूँ इरशाद इरशाद। के गमी जाना तुझे अल्लाह रखे, गमी जाना तुझे अल्लाह रखे, गमी जाना तुझे अल्लाह रखे, नखत का प्यार पे भी कम नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नखत का क्या कहने, वाह 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 भी कम नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। आपकी इजाजत हो तो फिर गीत आपका, क्योंकि आपका हुक्म है जी, मैं पढ़ती हूँ। मगर आप इतनी अच्छी गजल सुन रहे थे, अब ये गीत की फरमाइश क्यों है उसका तो खैर आप ही जानिए, बहरहाल मैं पढ़ती हूँ। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, वाह 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 वाह,
मैं तुझको सिखाऊं प्यार। अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार। अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार। अरे रे बाबा ना बाबा। अगर पीछे कुर्सियों पर गुलदस्ते न रखे हों तो वो भी शिरकत कर सकते हैं, वो भी अपने आप को जगा सकते हैं, क्योंकि मैं कोई लोरी तो सुना नहीं रही हूँ कि आप इतने खामोशी से सुन रहे हैं। बहरहाल आप सभी की शिरकत चाहती हूँ, मेरे बड़े हैं, मेरे अपने हैं, मेरे लिए बहुत महज़ब हैं वो। पढ़ती हूँ समाज की जगह कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भवरा फिरता है डाली डाली, मेरी रग रग में अयारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार। अरे रे बाबा ना बाबा, वाह 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 क्या कहने वाह। सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार। अरे रे बाबा ना बाबा, तश्बीह का बंद पढ़ती हूँ, बताने की जरूरत नहीं है कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू है नहीं। बात सुनिए, मैंने अगर आपको चीता बताया है और अपने आप को गाय बताया है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। कहा जाता है कि चीता बहुत ज़्यादा चलाक होता है और गाय बहुत ज़्यादा सीधी हुआ करती है, तो इसका बाकी आगे मफहूम आपके खुद समझ में आ जाएगा। पढ़ती हूँ कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पांव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में सौ सौ बार। अरे रे बाबा ना बाबा, क्या कहने वाह वाह। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, वाह 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 वाह। ये बंदी बता रहे, खास समाज कीजिएगा कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे क्या कहने, तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार। अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार। अरे रे बाबा ना बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई एंड पार्टी एंड वसीम भाई एंड पार्टी, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर आप सभी को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आखिरी बंद आप सभी की खिदमत में पेश करके आप सभी से इजाजत समाज की जगह पढ़ती हूँ कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। ये वो जो बुजुर्ग पढ़ रहे थे ना लास्ट में, ये बंद उन्हीं की नजर कर देते हैं हम और आप सभी की तरफ से कर देते हैं। वो चले गए हैं आखिर, मगर सुबह तक उन तक पहुँचा दीजिएगा कि ये आपको जो है गिफ्ट देकर गई हैं वो, तो आप पहुँचा दें बराए मेहरबानी। मैं पढ़ती हूँ कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रस्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी हर शाख पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी मैं नाम जपूं बस तेरा, तू चाहे बीवियां चार। अरे रे बाबा ना बाबा,
एक मिनट हजरते गिरामी, हाँ अच्छा मैं अभी बुलाता हूँ, मैं दोस्तों मोहतरमा से आपने आपकी फरमाइशों की तकमील भी की और मुझे बड़ी खुशी हुई। आप अपनी जगह आप तशरीफ रखें, तब अगर आप सुनना चाहते हैं थोड़ा सा कुछ सुनवाया जाएगा। वसीम भाई बैठ जाइए, अपनी जगह बैठ जाइए, हाँ बैठिए तभी बैठे, अपनी अपनी जगह जिस तरह से खूबसूरत आपका मुशायरा सजा हुआ था उसी तरह से बैठ जाइए खामोशी के साथ जरा जी, हाँ बैठ जाइए वसीम भाई गुरु वसीम जी, वसीम साहब का और नसीम साहब सब अपनी जगह तशरीफ रखें जो लोग खड़े हुए हैं। दोस्तों बड़ी खूबसूरती के साथ आपने मोहतरमा से कतात, उसके बाद गजल, फिर उसके बाद एक मुकम्मल गीत भी समाप्त किया, और बल्कि ये कहूँ कि जी भर के आपने मर्दों की मुखालिफत समाप्त फरमाई, इसके लिए आप मेरी जानिब से मुबारकबाद के मुस्तक हैं। मगर नसीम साहब वसीम साहब हालात ये हैं कि लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, पराए जाम पे नीयत जरूर रहती है, लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, पराए जाम पे नीयत जरूर रहती है, और हजार ऐश के सामान दे दिए जाएं इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है, हजार ऐश के सामान दे दिए जाएं इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है। मगर अब आप अगर सुनते सुनना चाहते हैं उनसे तो गीत आपके हवाले से मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने किसी मखसूस लबो लहजे से हम सभी को नवाज कर इस मुशायरे के अख्तिताम का ऐलान कर। आपका हुक्म। अरे सब चले गए, मैं टाल भी नहीं सकती हूँ, सब चले गए। दरअसल एक कमेंट और हुआ था सारी शायरात के ऊपर, और वो कलीम समर साहब ने कहा था कि औरतें जो हैं मूछों पे नज़्म नहीं कहती हैं। मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब तंजु मज़ा का कोई शायर मूछें रखता ही नहीं है तो शायरात जो है वो मूछों पे नज्म कैसे कहें। नहीं मंसूर साहब के तो मूछें थी। नहीं कलीम समर साहब बिना मूछों के, नश्तर अमरोही साहब बिना मूछों के, पॉपुलर मेरठी साहब को देख लीजिए आप, सज्जाद झंझट को उठा के देख लीजिए, फिर एक और थे, मैं जाने कितने बिना मूछों वाले गिनवा सकती हूँ आपको। मगर हाँ सबका रिकॉर्ड जो किसी ने तोड़ा है तो वो हमारे सिकंदर याद गड़बड़ हैं, उन्होंने मैं मूछों समेत और दाढ़ी सब रखी हुई है, सबके बदले की उन्होंने रखी है। खैर उनकी शिकायत दूर हो जाएगी किसी दिन, मूछों पर नज्म जरूर कहेंगे हम इंशाल्लाह। मैं पढ़ती हूँ आपका हुक्म है तो एक गजल के कुछ शेर और पढ़ना चाहती हूँ। जी आता। ये मत समझो कि रोना चाहती हूँ, 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 मगर दामन भिगोना चाहती, मगर दामन भिगोना चाहती हूँ। खालिस गजल का शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। के सताते हैं तेरी यादों के जुगनू, सताते हैं तेरी यादों के जुगनू, बहुत जागी हूँ सोना चाहती हूँ, बहुत जागी हूँ सोना चाहती चाहती हूँ, और आरजू का एक पल ही काफी हुआ करता है। मैं शेर पढ़ती हूँ समाप्त कीजिएगा। कि बहुत है ओढ़नी एक आरजू की, बहुत है ओढ़नी एक आरजू की, बहुत है ओढ़नी एक आरजू की, तसल्ली का बिछोना चाहती, वाह 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 वाह, तसल्ली
का बिछोना चाहती हूँ। गजल का आखिरी शेर बतौर एक खास समाज की जगह पढ़ती हूँ और एक एक की शिरकत चाहती हूँ कि बहुत मजबूत हैं मेरे इरादे, बहुत मजबूत हैं मेरे इरादे, बहुत मजबूत हैं मेरे इरादे, गमों का बोझ ढोना चाहती हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। गमों का बोझ ढोना चाहती हूँ। वाह। मक्ते का शेर भी पढ़ती हूँ, वो भी आपकी समातों के हवाले करती हूँ, उसके बाद इस मुशायरे के लिए अगले साल तक के लिए मुलतवी आप सब जो हमारे यहाँ बड़े नाज नसीम भाई हैं या वसीम भाई हैं, जो भी हैं वो यहाँ आएंगे और फिर वो इख्तिताम कर देंगे। इसका मैं पढ़ती हूँ समात कीजिएगा कि गमों का बोझ ढोना चाहती हूँ तेरे एहसास के धागे में नकहत, तेरे एहसास के धागे में नकहत, तेरे एहसास के धागे में नकहत, हर एक आंसू पिरोना चाहती हूँ। वाह चाहती, वाह 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 वाह, हर एक आंसू पिरोना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आइंदा साल तक के लिए इस मुशायरे के मुलतबी होने का ऐलान करते हैं और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा, मुबारकबाद के मुस्ताक आप सब हजरात, ये हम सभी शोराए किराम के